Hi friends and my dear students, Neeraj Pandey welcomes you again. You are on Neeraj English 24. Friends, first of all I am very sorry कि मैं लगातार आपको वीडियो इस चैनल के थ्रू नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा समय की कमी है फिलहाल। आपके बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं 2020 CBSE के बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, इसके लिए मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं आपको इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊं। मैं कुछ प्रैक्टिस सेट तैयार किया हूं, आप इन्हें देखिए, अपने दोस्तों को बताइए और शेयर कीजिए, और आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इग्नोर कीजिए। तो ये हमारा CBSE 2020 बोर्ड एग्जाम्स का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट आपके सामने है। वेल फ्रेंड्स, CBSE ने जो 10th क्लास बोर्ड एग्जाम के लिए इंग्लिश विषय में जो क्वेश्चन का जो पैटर्न जारी किया है वो इस प्रकार है। सेक्शन ए रीडिंग, ये 20 मार्क्स का होगा सब लेकर, जिसमें दो क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन होगा फैक्चुअल पैसेज का, इसमें आपको ये पैसेज पढ़ना है, और बढ़िया से पढ़ने के बाद इसमें आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। एट क्वेश्चंस होंगे, 1 × 8, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स के आपके होंगे। आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आपको इन्हें पढ़ना है और जवाब देना है। ओके, ये सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं। सेकेंड क्वेश्चन होगा डिस्कर्सिव टाइप का पैसेज होगा, डिस्कर्सिव पैसेज होगा, इसमें इस पैसेज को आपको पढ़ना है, थोड़ा सा बड़ा पैसेज है ये। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन हैं, फर्स्ट है 2 × 4, 2 × 4 = 8, मतलब एक क्वेश्चन दो दो मार्क्स का होगा, ये 30 to 40 वर्ड में आपको इसका आंसर देना है, ये 8 मार्क्स के हो गए। और जो सेकंड पार्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसमें आपको 1 × 4 = 4, इसमें एक एक मार्क्स के 4 क्वेश्चंस होंगे, आपको ये 4 का जवाब देना है। तो 8 × 4 ये 12 हो गया, और पीछे 8 था, ये सब लेकर 20 मार्क्स का रीडिंग सेक्शन का क्वेश्चन हो जाए। अब सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में राइटिंग एंड ग्रामर, इनका टेस्ट होगा। इसमें क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 3 जो होगा ये एक फॉर्मल लेटर का होगा, इसके अंदर आपको कॉम्प्लेंट्स, इंक्वायरी, ऑर्डर, लेटर टू एडिटर, ये सब आपको लिखना पड़ सकता है 100 to 150 वर्ड्स में। इसका होगा मार्क्स 8 नंबर का होगा ये, यहाँ पे देखिए, और में इसका ऑप्शन भी दिया हो सकता है। क्वेश्चन 4 होगा, आपको इसके अंदर स्टोरी लिखना है, जिससे आपको कुछ गिवन आउटलाइंस दिए होंगे, कुछ क्लूज आपको दिए होंगे, उस क्लूज को देखकर, आउटलाइन को देखकर आपको एक स्टोरी को कंटिन्यू करना है। स्टोरी का कुछ पार्ट आपको दिया होगा, इसके आगे ब्लैंक स्पेस होंगे, मतलब आपको उसको कंटिन्यू करना है, उस स्टोरी को ग्रामेटिकली अच्छी तरह से लिखना है, जिसमें आपको क्रिएटिव राइटिंग शो करना है कि आपका जो थॉट है वो क्रिएटिव है, और ग्रामेटिकली आपको सही लिखना है। ये 10 मार्क्स का होगा। तो ये कितने हो गए, 8 मार्क्स और 10 मार्क्स, 18 मार्क्स के आपके क्वेश्चन हो जाते हैं राइटिंग सेक्शन से। अब हम बात करते हैं ग्रामर का। ओके फ्रेंड्स, ये जो ग्रामर पार्ट है, इस ग्रामर पार्ट के लिए आपको टेंस, पैसिव वॉइस, नरेशन, क्लॉजेस, डिटरमिनर्स, मॉडल्स, सिंटैक्स, प्रीपोजिशन, विशेष करके इन चीजों को अच्छी तरह से पढ़ना और समझना है। इसमें ग्रामर सेक्शन से 3 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन फाइव होगा गैप फिलिंग, इसमें आपको गैप दिए होंगे, यहाँ पे देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स, ये गैप दिया हुआ है, ये क्लोज टाइप का टेस्ट होगा। इसमें आपको हर गैप के बाद, जैसे कि ए, यहाँ पे एक पैसेज की तरह लिखा हुआ है, इस ए में आपको नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। फिर जो बी नंबर जो दिया है क्वेश्चन, उस बी में फिर नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, और फिर सी नंबर जो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है एलिफेंट्स के बाद, इस सी के लिए भी नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि विथ, ऑल्सो एंड बट, और फिर डी के लिए भी आपको नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका मतलब यह है कि आपको इन्हीं ऑप्शन में से पहले ही आपको अच्छी तरह से सोच लेना है कि कौन सा ऑप्शन इन दिए हुए क्वेश्चंस में फिट बैठ रहे हैं, इसके बाद आपको इसका जवाब देना है। ये 1 × 4 = 4, यहाँ पे एक एक मार्क्स के 4 क्वेश्चन हैं। उसके बाद से क्वेश्चन 6 जो होगा, ये होगा एडिटिंग और ओमिशन टाइप का क्वेश्चन। इसमें आपको हर लाइन में,
हर एक लाइन में एक एक गलत हो सकता है, आप उस गलती को यहाँ लिखिए, एरर के बगल में लिखिए, नीचे जो स्पेस दिया हुआ है, और उसका जो असली आंसर होगा, जो सही आंसर होगा, वो आपको करेक्शन की जगह पे नीचे लिखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको दो कॉलम्स दिए हुए हैं, फर्स्ट एरर के लिए और सेकंड करेक्शन के लिए। तो फर्स्ट लाइन में आपको जो गलत दिखाई पड़ रहा है वो एरर के नीचे लिख दीजिए, और जो सही है उसका जो सही होना चाहिए वो आपको करेक्शन की जगह पे लिखना है। वैसे सेकंड लाइन में आपको बी नंबर जो दिया हुआ है, सेकंड लाइन के लिए है, बी में जो आपको गलत दिखाई पड़ रहा है वो आप यहाँ लिखिए एरर के बगल नीचे, और उसका जो आंसर सही में होगा वो आप लिखिए करेक्शन के नीचे। इस तरह से आपको 1 × 4 = 4 चार क्वेश्चन होंगे एडिटिंग और ओमिशन टाइप का। ओके, इसके बाद हम क्वेश्चन 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन 7 में होगा सेंटेंस रीऑर्डरिंग और सेंटेंस रीअरेंजमेंट। यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चंस दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारे वर्ड्स जंबल्ड हैं, आपको इन जंबल्ड वर्ड्स को सही जगह पे रखना है, एक सेंटेंस, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। बस इसी चीज की टेस्ट आपकी होगी, 1 × 4 = 4 चार मार्क्स का, एक एक नंबर का, एक एक मार्क्स के सारे क्वेश्चन होंगे, चार मार्क्स का ही पूरा क्वेश्चन होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको बता दें क्लियरली कि क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7, ये जो तीन क्वेश्चन हैं, ये ग्रामर पार्ट्स के क्वेश्चन हैं, जिसमें आपको 12 मार्क्स, ये आपके 12 मार्क्स कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो में आपको और तो रीडिंग, राइटिंग और लिटरेचर का तो नहीं कर पाऊंगा, उसमें बहुत अधिक स्पेस चाहिए और बहुत ज़्यादा उसमें लिखना हो सकता है, उसको अलग से समझना पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ग्रामर के जो क्वेश्चन 5, 6 और 7 होंगे, मैं उसके बारे में गाइड करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो लिटरेचर का जो सी सेक्शन है, लिटरेचर का इस लिटरेचर के आपके दो बुक्स पढ़ने हैं, फर्स्ट फ्लाइट और एक फुट प्रिंट्स विदाउट फीट। चलिए, तो इसमें दो क्वेश्चन दिए होंगे, एक यहाँ पे जो है 1 out of 2 एक्सट्रैक्ट्स, दो वो ड्रामा, प्रोज या पोएट्री से दो हिस्से दिए होंगे, दो पार्ट्स दिए होंगे, आपको पढ़ के उसमें से MCQ टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे आपके सामने है, ही शुड बी लकी, यहाँ पे एक पोएम का पार्ट दिया हुआ है, ये फर्स्ट फ्लाइट किताब के अंदर का है। इसमें आपको चार क्वेश्चन हैं, आपको उसमें से इसका आंसर क्या होगा, इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ के, इस पार्ट को पढ़ के उसका आंसर निकालना है। इसके बाद हम देखते हैं और में दिया हुआ है, ये एक प्रोज पार्ट का हिस्सा है, आप इसको पढ़ें और इसका जवाब दें। ये कितने हो गए यहाँ पे, 1 × 4 = 4, एक एक मार्क्स के चार क्वेश्चन हैं, और को आप अटेम्प्ट करते हैं तो यहाँ भी चार मार्क्स के ही क्वेश्चन हैं। और अब क्वेश्चन 9 की बारी आती है। तो क्वेश्चन 9 फ्रेंड्स, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 30 to 40 वर्ड्स में आपको इनका जवाब देना है। ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे, आपको इसके 10 मार्क्स मिलेंगे, जिसमें आपको यहाँ देखिए 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें आपको आउट ऑफ 6 ओनली 5 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। ओके फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन 11, ये दो क्वेश्चन और रहते हैं। क्वेश्चन 10 जो है, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपको 100 टू 150 वर्ड्स में आंसर देना है, ये 8 मार्क्स का होगा। और क्वेश्चन 11 जो है, ये इसमें आपको 100 टू 150 वर्ड्स में आपको आंसर देना है, ये भी 8 मार्क्स का है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन 10 जो है, ये फर्स्ट फ्लाइट बुक का है, और जो क्वेश्चन सेकेंड है, ये आपका जो सप्लीमेंट्री बुक है, उसमें से क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको चॉइस दिए हुए हैं, आप इन दो चॉइस को देखें और जो आपको सही लगता है उसी को अटेम्प्ट कर लें। इस तरह से हमारा जो सिलेबस का जो पैटर्न है वो कंप्लीट होता है। थैंक्स गॉड, आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स choosing the most appropriate options from the ones given below. जो नीचे दिए हुए options, इसमें सबसे जो बढ़िया option है उसको choose करना है. Write the answers in your answer sheet against the correct blank numbers. और जो यहाँ blank numbers दिए गए हैं ABCD करके, इसमें आपको answer लिखना है. तो चलिए पढ़ते हैं. सबसे पहले friends, हम इस passage को पूरा पढ़ेंगे, ये किस बारे में दिया हुआ है, उसके बाद तब हम मंथन करेंगे इसके आंसर्स में कि कौन सा आंसर यहाँ पे फिट बैठता है। चलिए, पटना डैश द कैपिटल ऑफ बिहार, पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स द स्टेट एंड वर्ल्ड कम टू विजिट पटना, देयर डैश मेनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हियर, लास्ट ईयर आई डैश पटना, आई ऑल्सो वॉच्ड द गांधी मैदान। चलिए फ्रेंड्स,
तो हमें लगता है कि ये जो पैसेज है पटना के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसके आंसर्स की बात करते हैं, प्रेजेंट में है ये, तो पटना डैश द कैपिटल ऑफ बिहार, यहाँ पे इज हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ पे हम इज करेंगे, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स डैश द स्टेट, तो ऑल पार्ट ऑफ द स्टेट हो गया यहाँ पे, पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द स्टेट एंड वर्ल्ड कम टू विजिट पटना, मतलब इस राज्य के या इस दुनिया के बहुत से लोग यहाँ पे पटना घूमने आते हैं। देयर डैश मेनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हियर, देयर आर, यहाँ पे आर हुआ क्योंकि ये बात प्रेजेंट की हो रही है, तो देयर आर मेनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हियर। लास्ट ईयर आई डैश पटना, यहाँ पे लास्ट ईयर आई डैश पटना की पिछले साल मैंने पटना में मैं गया था, तो ये पिछले साल की बात है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लास्ट ईयर की बात हो रही है, पिछले साल की बात हो रही है, तो यहाँ पे विजिट, विजिटिंग, विजिटेड और विल विजिट है, तो क्या होगा यहाँ पे, विजिटेड होगा, वर्ब टू लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा पहले ही हम पढ़ लेंगे किस बारे में पैसेज है, उसके बाद इसके ऑप्शंस को हम चूज करेंगे कि सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन इसमें कौन सा है। ओके, अब हम आगे क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। वेल फ्रेंड्स, क्वेश्चन 6, द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज नॉट बीन एडिटेड, देयर इज एन एरर इन ईच लाइन, राइट द एरर अलोंग विथ इट्स करेक्शन इन द स्पेस प्रोवाइडेड, मतलब हर एक लाइन में यहाँ पे गलतियाँ हैं, आप उन गलतियों को पकड़िए कि उसमें गलती कौन सी है, और यहाँ पे जो एरर दिया हुआ है इसके नीचे गलतियों को लिखना है, हर लाइन में क्या क्या गलती हो सब इसके नीचे लिखना है, और करेक्शन उसका जो सही आंसर होना चाहिए वो आपको इसके नीचे लिखना है। चूंकि यहाँ पे ब्लैंक स्पेस था इसलिए मैंने यहाँ पे, चूंकि इसका आंसर मैंने लिख रखा है इसलिए यहाँ पे ये ग्रीन में मैंने इसको लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे ऐसे आपको ब्लैंक स्पेस ही दिखाई पड़ेगा। अब चलिए बात करते हैं, मोर देन 2/3 इन द वर्ल्ड्स लार्ज सिटीज आर ऑन एरिया सेंसिटिव ओवर ग्लोबल वार्मिंग एंड राइजिंग सी लेवल, मिलियंस ऑफ पीपल फेस द रिस्क ऑफ बींग स्वैम्प्ड बाय फ्लड्स एंड स्टॉर्म्स अकॉर्डिंग टू स्टडी। चलिए हम रफली समझ गए कि किस बारे में दिया हुआ है, अब हम हर लाइन में देखते हैं कहाँ कहाँ क्या गलती है। चूंकि यहाँ पे रेड रेड में आपको दिखाई पड़ रहा है, रेड कलर में आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं वर्ड्स इन ऑन ओवर, ये रेड में नहीं रहेगा बल्कि सबका कलर सेम रहेगा। यहाँ पे मैं आंसर को यहाँ पे मैं हाईलाइट किया हूँ दिखाने के लिए कि यहाँ पे गलती था, पहले यहाँ पे गलती है, इसलिए आप ये मत समझिए कि यहाँ पे रेड कलर या किसी और कलर का दिया रहेगा, सबका कलर सेम रहेगा। तो चलिए, मोर देन 2/3 इन द वर्ल्ड्स लार्ज सिटीज, यहाँ पे इन नहीं रहेगा बल्कि यहाँ पे ऑफ रहेगा, इसका ऑफ यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है ना। अब चलिए, तो मोर देन 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स लार्ज सिटीज आर ऑन एरियाज, ऑन नहीं होगा, इन होगा यहाँ पे इसका आंसर, आर इन एरियाज सेंसिटिव ओवर, ओवर गलत है, सेंसिटिव टू होता है, सेंसिटिव के साथ हम टू लगाते हैं, सेंसिटिव टू ग्लोबल वार्मिंग एंड राइजिंग सी लेवल, मिलियंस ऑफ पीपल फेस अ रिस्क ऑफ बींग, यहाँ पे अ रिस्क नहीं होगा बल्कि द रिस्क हुआ, क्योंकि हम रिस्क के बारे में जान चुके हैं कि वो रिस्क कौन सा है, यहाँ पे विशेष रिस्क है इसलिए यहाँ पे द लगाने से स्पेसिफिक बन जाता है, विशेष बन जाता है। तो मिलियंस ऑफ पीपल फेस अ रिस्क, तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ पीपल फेस द रिस्क ऑफ बींग स्वैम्प, यहाँ पे फिर स्वैम्प नहीं होगा क्योंकि बींग के बाद हम वर्ब थर्ड लगाएंगे, इसलिए यहाँ पे स्वैम्प हो जाएगा, स्वैम्प्ड बाय फ्लड्स एंड स्टॉर्म्स अकॉर्डिंग टू अ स्टडी। ओके फ्रेंड्स, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की बात। क्वेश्चन 7, रीड द डायलॉग गिवन बिलो एंड कंप्लीट द पैराग्राफ दैट फॉलोज, स्वामी बात कर रहा है हीरा से, स्वामी वेयर आर यू गोइंग, हीरा बोल रहा है कि आई एम गोइंग टू सी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। स्वामी पूछ रहा है व्हाई आर यू गोइंग, तो तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, फिर हीरा बोल रहा है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, बीमार है। स्वामी पूछ रहा है यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, स्वामी कह रहा है कि तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए, यू किसके लिए है, हीरा के लिए है। चलिए फ्रेंड्स, स्वामी आस्क्ड हीरा, ये देखिए स्वामी हीरा से पूछ रहा है वे आर यू गोइंग, क्या करेंगे, डेट आएगा क्या, नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू एच है, तो हम क्या करेंगे वही उतार देंगे, वेयर ही रहेगा, वेयर क्या होगा, यू है, यहाँ पे जो यू है तो यू का क्या करेंगे, हम यू का करेंगे हीरा के लिए ही लगाएंगे, ही वॉज, यहाँ पे इंट्रोगेटिव को हटा कर हमको एसर्टिव करना पड़ता है, तो वेयर ही वॉज गोइंग, बस ये हो गया, एसर्टिव करेंगे, क्वेश्चन मार्क जो लगा हुआ उसको हटा देंगे हम,
डब्ल्यू एच की जगह पे डब्ल्यू एच ही आ गया, और यू की जगह पे ही आ गया ही वॉज गोइंग, क्योंकि ये पास्ट में है, आस्ट पास्ट में दिया हुआ है, इसलिए हमको यहाँ पे इज आर एम का वाजर करना था, इसलिए हमने यहाँ पे वॉज कर दिया। चलिए अब हम करते हैं इसके आगे, हीरा क्या बोल रहे हैं, आई एम गोइंग टू सी अ डॉक्टर, तो हीरा टोल्ड हिम क्या होगा, असर्टिव सेंटेंस है ना, डेट लगाएंगे, डेट क्या होगा, आई एम, तो आई क्या हो जाएगा, ही वॉज गोइंग क्या हो जाएगा टू सी अ डॉक्टर, बस यहां पे क्या लग गया, यहाँ पे डेट लग गया क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, और ही करेंगे, आई का ही हो जाए क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन में है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमको चेंज करना है, तो सब्जेक्ट में यहाँ पे क्या है, हीरा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीरा टोल्ड हिम डेट ही वॉज गोइंग टू सी अ डॉक्टर। इसके बाद अब थर्ड की बात, थर्ड में देखते हैं, स्वामी बोल रहा है कि वाई आर यू गोइंग देयर, अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन है, डब्ल्यू एच में है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए स्वामी फर्दर आस्क्ड हिम, फिर वाई आए तो यहाँ पे डेट नहीं आएगा, तो why आर यू गोइंग देयर, तो why ही वॉज गोइंग देयर, क्या हुआ यहाँ पे why लग जाए क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू एच में है, और फिर यहाँ पे यू है, तो यू बात हीरा से कर रहा है, यहाँ पे हीरा का ही हो जाएगा ही, और फिर इज आर एम का यहाँ पे वॉज हो जाएगा, और गोइंग देयर यहाँ पे गोइंग देयर यहाँ पे क्या है, why आर यू गोइंग देयर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, और देयर का देयर ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अंतिम में है, फिर यहाँ पे देखिए हीरा बोल रहा है कि आई नॉट फीलिंग वेल, यहाँ पे दिया हुआ है हीरा टोल्ड हिम डेट ही वाज नॉट फीलिंग वेल, इसका तो कंप्लीट दिया हुआ है। इसके बाद अब एक अंतिम क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन में जो है ऊपर जो डायलॉग में दिया हुआ है, स्वामी बोल रहा है कि यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, तो स्वामी टोल्ड हिम क्या होगा, यहाँ पे फिर डेट लगाएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है बल्कि वो बता रहा है यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ डेट, तो यहाँ पे डेट लगा देंगे हम, है ना, तो डेट यू का क्या हो जाएगा, ही मस्ट हो जाएगा, मस्ट टेक केयर ऑफ योर का क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, ऑफ हिज हेल्थ, बस। तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा लंबा हो गया इसलिए अभी के लिए इतना ही, इसके बाद बहुत ही जल्द मैं एक और वीडियो लेकर आपके सामने आऊंगा, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।